हाय दोस्तों, जब भी हम किसी जगह पर वास्तु बनाते हैं, किसी फैक्ट्री में, किसी घर में, किसी इंडस्ट्री में, किसी रेस्टोरेंट में, होटल में, कहीं पे भी हम वास्तु बना रहे हैं, हर जगह पे डिफरेंट डिफरेंट वास्तु डिफेक्ट्स होते हैं। किसी घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना होता है, किसी घर का मेन गेट गलत होता है, कहीं फैक्ट्री में MD गलत बैठा होता है, कहीं इंडस्ट्री में मशीनरी गलत जगह पर लगी होती है, मशीनरी नॉर्थ ईस्ट में आ रही होती है। हर जगह डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स मिलती हैं। कहीं फैक्ट्री में कॉस्मिक एनर्जी कम होती है, किसी घर में अर्थ वाइब्रेशंस कम होती हैं। ऐसे ही जब गाजियाबाद में मैं वास्तु विजिट कर रहा था, वास्तु कंसल्टेशन प्रोवाइड कर रहा था एक क्लाइंट के यहाँ पे, वहाँ पे मेरा कंपास बहुत ज़्यादा डेविएट हुआ। कंपास के डेविएशन के तीन का मेन कारण होते हैं। या तो वहाँ पे उस जगह पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बहुत ज़्यादा हों, या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स बहुत ज़्यादा हों, या रेडियो फ्रिक्वेंसी ज़्यादा आ रही हो। ये तीन कारण होते हैं कंपास डेविएट होने के। अब वहाँ पे जब एनर्जी स्कैन करी तो पता लगा कि वहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एक लेवल से काफ़ी ज़्यादा आ रही है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अगर एक लेवल से ऊपर जाती है तो वो वहाँ पे जो भी आदमी रह रहा है या काम कर रहा है, ऑफिस है अगर वो काम कर रहा है, तो वहाँ पे रहने वालों के लिए वो स्ट्रेस क्रिएट करता है, वहाँ पे बैठने वालों को स्ट्रेस क्रिएट करता है, अलग अलग छोटी छोटी बीमारियाँ बहुत जल्दी जल्दी लगती हैं, वहाँ पे बैठने वाले को डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो जाती है। और अगर एक लेवल से बहुत ज़्यादा ऊपर ये रेडिएशन मिले तो ये कोई सीरियस डिजीज़ भी लगवा देती है। और गाजियाबाद में लगभग 90% साइट्स जिन पे मैंने विजिट किया, जिन क्लाइंट्स के यहाँ, वहाँ पे ये डेविएशन की प्रॉब्लम मिली। जिस भी जगह पर डेविएशन आ रहा होता है वहाँ पर कंसल्टेशन करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली फॉर वैदिक वास्तु एक्सपर्ट्स, क्योंकि वैदिक वास्तु एक्सपर्ट्स सिंपल एक कंपास लेके चलते हैं, या तो वो डिजिटल कंपास होगा या मैनुअल वाला होगा, नॉर्मल कंपास जो आपका आता है। अब वैदिक वास्तु कंसल्टेंट कभी पता नहीं लगा सकते कि उस जगह पे नेगेटिव एनर्जी आ रही है, पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, या वहाँ पे डेविएशन किस वजह से आ रहा है। इसीलिए दोस्तों ध्यान रखें, जब भी वास्तु कंसल्टेशन आप अपने घर में गाजियाबाद में करा रहे हैं तो साइंटिफिक वास्तु ही कराएं अपने घर में या ऑफिस में, जहाँ पर भी आप वास्तु करा रहे हैं। ऐसी जगह पे जहाँ पे डिविएशन आ रहा है वहाँ वैदिक वास्तु एडवाइस का कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वैदिक वास्तु एक्सपर्ट जो भी है आपका, वो कभी पता नहीं लगा सकता कि वहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी आ रही है, किसी तरीके की कोई रेडिएशन आ रहा है, कोई वेव आ रही है नेगेटिव, कभी पता नहीं लगा सकता। इसी जो सेंसर स्कैनर्स हम यूज़ करते हैं साइंटिफिक वास्तु में, ये बहुत ही एडवांस है। ये ना कि सिर्फ ये बताते हैं कि यहाँ पे नेगेटिव एनर्जी है या पॉजिटिव एनर्जी है या किस तरीके की वेव है, ये पूरा डिजिटली उसको लेवल भी बताते हैं कि यहाँ पे कितनी नेगेटिव एनर्जी आ रही है, कितनी पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, अगर रेडियो फ्रिक्वेंसी कोई भी आ रही है तो कितनी आ रही है, कितनी नेगेटिव है वो। इसीलिए ध्यान रखें, हमेशा साइंटिफिक वास्तु ही अपने घर में कराएं। अगर आप भी अपने घर में, ऑफिस में, फैक्ट्री में, इंडस्ट्री में या होटल में, कहीं पे भी वास्तु कराने का सोच रहे हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं साइंटिफिक वास्तु एडवाइस के लिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरा कांटेक्ट डिटेल्स दी हुई है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।